पहले के समय में जब इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का नाम लिया जाता था तो स्नैपडील का नाम सबसे पहले आता था। एक समय था जब स्नैपडील पूरे ई कॉमर्स मार्केट को लीड किया करते थे, लेकिन आज के समय में स्नैपडील का नाम दूर दूर तक नहीं सुनाई देता। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से स्नैपडील पूरा फ्लॉप हो गया? इतने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर होने के बावजूद स्नैपडील को कैसे बचा नहीं पाए? कौन सा रीजन थे जिसकी वजह से स्नैपडील पूरा फेल हो गया, और इसके फेल होने के पीछे कौन कौन जवाबदार है? ये सारी जानकारी हम इसकी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड जरूर देखना। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पे पुराने हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो देरी किए बिना हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्नैपडील इंडिया की सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी में से एक थी और सिर्फ 6 सालों के अंदर इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई थी। स्नैपडील जब अपने पीक पॉइंट पे था तब उसकी मार्केट वैल्यूएशन 6.5 बिलियन डॉलर्स थी और उसके इन्वेस्टर थे रतन टाटा, ईबे, सॉफ्ट बैंक और नेक्सस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। और 2016 के बाद उसका मार्केट शेयर 25% से गिरकर सिर्फ 4% पे आ गया था और 2017 के अंदर एक समय पे वो बैंकक्रप्ट की कगार पे आ गई थी। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद स्नैपडील फेल कैसे हो गया? सभी सेलर्स ने अपना मुंह क्यों मोड़ लिया? और क्या आने वाले समय में स्नैपडील अपनी पोजीशन बना पाएगा, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फिर से हासिल कर पाएगा? तो सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्नैपडील की शुरुआत कुणाल बहल और रोहित बंसल ने 2010 के अंदर की थी। जब स्नैपडील को लॉन्च किया था तब उसका एक ही कॉम्पिटिटर था, वो था फ्लिपकार्ट। आज फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 50% है, उसी के सामने स्नैपडील का ओनली 4% मार्केट शेयर है। स्नैपडील ने स्टार्टिंग के समय बहुत सारा ग्रोथ किया था, बहुत सारा प्रॉफिट दिखाया था और लोग भी ज़्यादा ट्रस्ट है वो स्नैपडील पे दिखा रहे थे। बहुत सारा कस्टमर नए नए जुड़ते जा रहे थे, बहुत सारा सेलर है वो भी स्नैपडील के साथ जुड़ते जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ने लगी। उसी के सामने स्नैपडील उसका सही तरह के सॉल्यूशन नहीं दे पाई, उसी की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट है धीरे धीरे डाउन होने लगा। उसी के बाद एक समय ऐसा आया था कि स्नैपडील के जो एम्प्लॉय थे वो भी धीरे धीरे करके स्नैपडील से दूर होते जा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से उसका एम्प्लॉय है वो भी स्नैपडील से दूर भाग रहे थे? अब हम कस्टमर के प्रॉब्लम की बात करते हैं कि स्नैपडील के अंदर ज़्यादातर कस्टमर को प्रोडक्ट का ऑर्डर करने की डिलीवरी डेट चली जाती थी, उसके बाद उसको प्रोडक्ट डिलीवरी मिलती थी और डिलीवरी में भी सही तरह से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होती थी। चेन्नई की एक लड़की ने 12,000 का फ़ोन ऑर्डर किया था तो उसको बॉक्स में से उसको आधी इंच निकली थी। उसके बाद लास्ट ईयर नवंबर के अंदर एक कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया था कि उन्होंने टॉर्च लाइट का ऑर्डर किया था और उसको बक्से में से ट्रिमर निकला था। तो इसी तरह से बहुत सारा मिसमैनेजमेंट की वजह से भी कस्टमर धीरे धीरे नेगेटिव होते जाते थे। उसके अलावा बहुत सारे कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल होने के बावजूद उसको कुछ भी रिफंड नहीं मिला था और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उसके पास पार्सल चेकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारे रीजन की वजह से बहुत सारे कस्टमर है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर होने लगे थे। तो बात करते हैं सेलर्स के प्रॉब्लम की। कस्टमर की तरह सेलर्स भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर होने लगा था और स्टार्टिंग के समय में स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पर से बहुत सारे सेलर्स जुड़ते जा रहे थे, उसको बहुत सारा ऑर्डर भी मिलता था, बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा रहे थे और उसका मैनेजमेंट और उसकी पॉलिसी बहुत स्मूथली काम कर रही थी। और मेन सबसे चीज इस प्लेटफॉर्म पर यह बात थी कि दूसरे प्लेटफॉर्म की कंपेयर में यहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म वाले होते थे वो 21 दिन में पेमेंट करते थे और यहाँ पे स्नैपडील सिर्फ 7 दिन के अंदर सेलर्स को पेमेंट करते थे। तो इसकी वजह से सभी सेलर्स है वो बहुत ज्यादा ज्यादा जुड़ते जा रहे थे, लेकिन आगे जाके उसकी पॉलिसी बहुत सारे अपडेट होती रहती थी और कभी कभी बहुत सारे सेलर्स का अकाउंट ब्लॉक हो जाता था। तो अनब्लॉक कराने के लिए जब वो स्नैपडील के पास जाते थे तब उसके एम्प्लॉय को भी पता नहीं होता था कि इसकी अथॉरिटी किसके पास है। तो यहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता था, उसकी वजह से सेलर से वो भी तंग आ चुका था और धीरे धीरे मूव ऑन करने लगा था। उसके अलावा स्नैपडील ने एक और पॉलिसी अपडेट की थी कि अगर आपको माल सामान बेचना है तो आपका जो माल सामान है वो आपका वेयर हाउस बंद करके आपको स्नैपडील के वेयर हाउस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े स्नैपडील के जितने भी सेलर्स थे उन्होंने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उन्होंने एक और पॉलिसी नई अपडेट कर दी कि अगर आपके वेयर हाउस से आपको पर दिन का सिर्फ 5 ऑर्डर ही आप कर सकते हो, बाकी का ऑर्डर है वो आपको स्नैपडील के वेयर हाउस से ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे हजारों की संख्या में ऑर्डर्स आते थे वो उसको सिर्फ 5 ऑर्डर सीमित रह गए। तो मजबूरन हो के सभी सेलर्स को उसका जो सामान है वो स्नैपडील के वेयर हाउस पे शिफ्ट करना पड़ा। जैसे ही सभी सेलर्स का सामान है वो स्नैपडील के वेयर हाउस में आने लगा तो स्नैपडील के पास जगह कम पड़ने लगी। तो स्नैपडील ने और एक पॉलिसी अपडेट की, अगर आपका सामान स्नैपडील के वेयर हाउस में रखना है तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, अदर आपका सामान है वापस ले जाओ। तो बहुत सारे सेलर अपना सामान वापस लेने के लिए आए तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर का सामान चोरी हो गया था, उसके मैनेजर तक उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे। तो बहुत सारे सेलर ने उसकी कंप्लेन उसके सीईओ से करवाई लेकिन उसके सीईओ की तरफ से भी उसको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। तो उसकी वजह से सेलर इतना सारा परेशान हो रहे थे और सेलर का ट्रस्ट धीरे धीरे डाउन होने लगा था।
स्नैपडील के एक पुराने सेलर ने कहा था कि उन्होंने एक साल तक स्नैपडील पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सेल किया था, उसके बाद वो अमेजोन पे शिफ्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि अमेजोन 1000 रुपीज़ की प्रोडक्ट को सेल करने पे 60 रुपीज़ चार्ज करती है, उसके सामने स्नैपडील है वो 160 रुपीज़ चार्ज करती है, जहाँ पे अमेजोन 10,000 की प्रोडक्ट पे 400 रुपीज़ चार्ज करती है, उसके सामने स्नैपडील है वो 1200 रुपीज़ चार्ज करती है। तो यहाँ पे इतना सारा चार्जेस का डिफरेंस होने के बावजूद भी धीरे धीरे सेलर होते हैं वो अमेजोन पे मूव होने लगते थे। उसके अलावा स्नैपडील के सेलर्स बिजनेस से ज्यादा टेक्निकल इश्यू, ऑर्डर प्रोसेसिंग इश्यू, उसके अंदर ही ज्यादातर टाइम वेस्ट करते थे और वो बिजनेस के अंदर फोकस ही नहीं कर पाते थे। इसके अलावा स्नैपडील के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलर कस्टमर का कॉन्टेक्ट कर सके और उसका सोल्यूशन दे सके। जब भी कस्टमर को कोई क्वेरी होती थी तो सबसे पहले वो कस्टमर केयर में कॉल करते थे, उसके बाद उसका एग्जीक्यूटिव सेलर को कॉन्टेक्ट करते थे, उसका सोल्यूशन लेते थे, वापस अगले दिन वो अपने कस्टमर को सोल्यूशन देते थे। इतना लेंथी प्रोसेस होने के बावजूद कस्टमर का इरिटेशन बढ़ जाता था और वो नेगेटिव हो जाता था और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता था। इसके अलावा उसका सेलर सपोर्ट सिस्टम भी बहुत खराब था। जब भी कस्टमर कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव को कॉल करता था तो अलग अलग एग्जीक्यूटिव की तरफ से उसको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता था और कस्टमर खुद अपने प्रॉब्लम के प्रति कंफ्यूजन में चले जाते थे। उसके अलावा उसके जो अकाउंट मैनेजर होते थे उसका लोन और एडवर्टाइजमेंट के प्रति उसका ज्यादातर फोकस रहता था। इसके अलावा स्नैपडील फेल होने का एक रीजन ये भी है कि वो इनोवेटिव करने में और न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में फेल हो चुकी थी। जहां पे स्नैपडील अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को प्रोडक्ट कैटेगरी में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन खुद को कोई कैटेगरी के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। जहाँ पे फ्लिपकार्ट फैशन और इलेक्ट्रॉनिक पे फोकस कर रहा था, उसी के सामने अमेजोन है वो पेंट्री और प्राइम पे फोकस कर रहा था, लेकिन स्नैपडील के पास ऐसी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। स्नैपडील का ज्यादातर फोकस डिस्काउंट देने में था, नहीं कि लॉयल कस्टमर बनाने में और बेटर यूजर एक्सपीरियंस देने में। एक तरफ स्नैपडील का इंटरनल इश्यू सोल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर से बड़े बड़े फंड लेकर नए नए स्टार्टअप को एक्वायर कर रहे थे। स्नैपडील ने 14 एक्विजिशन और 5 इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसके लिए उन्होंने $6 मिलियन को स्पेंड किया था। इसके एक्वायर किए गए स्टार्टअप के अंदर फ्रीचार्ज, सोपो, रिड्यूस डेटा, ग्रेबोन, यूनिकॉमर्स और ऐसे कई स्टार्टअप और भी थे, लेकिन स्नैपडील 6 सालों के अंदर इनमें से किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए थे। स्नैपडील फेल होने के पीछे का एक रीजन उनकी लीडरशिप भी है, क्योंकि कंपनी के जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते थे उनके CEO लेते थे, वो लोग किसी भी सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते थे। उसके अलावा स्नैपडील की खराब पॉलिसी की वजह से उसके सेलर्स और उसके एम्प्लॉय है वो रीजन देकर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए थे। स्नैपडील को ग्रोथ फेज के अंदर उसके इन्वेस्टर के पास से बहुत सारे पैसे मिले थे, लेकिन उन्होंने एक्विजिशन करने में, वेयरहाउस बनाने में और IIT और IIM से हायरिंग करने में पैसे को बर्बाद कर दिया और इनकम नहीं होने की वजह से वो करोड़ों के कर्ज में डूब गए। उसके अलावा स्नैपडील के दोनों CEO 45-45 करोड़ की सैलरी लेते थे। उसके अलावा स्नैपडील को रीब्रांडिंग करने में दिवाली सेल में उन्होंने 2000 करोड़ के खर्च कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा स्नैपडील को शोक तब लगा जब SoftBank के फंड मैनेजर निकेश अरोड़ा ने स्नैपडील से रिजाइन दे दिया, क्योंकि SoftBank ही सबसे बड़ा उसका इन्वेस्टर था और उसके रिजाइन के बाद उसके पास 1 महीने का ऑपरेशनल कॉस्ट का खर्चा भी नहीं बचा था। इस प्रॉब्लम के बाद उसके CEO ने डिसाइड किया कि स्नैपडील कंपनी को 50% लॉस के साथ फ्लिपकार्ट को या पेटीएम को हम बेच देंगे, लेकिन उसके इन्वेस्टर ने जमकर इसका विरोध किया। उसके बाद CEO ने अपना डिसीजन है वो बदलना पड़ा। आज के समय में स्नैपडील को 1 रुपीज कमाने में 2 रुपीज का खर्च करना पड़ता है और उसका लॉसिस है वो 4 गुना बढ़ गया है। जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में स्नैपडील का टोटल लॉस 120 करोड़ था, वो बढ़कर 2022 के अंदर 540 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्नैपडील कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल बन सकती है? तो इसका जवाब है यस। अगर स्नैपडील अपनी पुरानी पॉलिसी को अपडेट करते हैं, उसका कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको बेटर बनाते हैं, उसकी कस्टमर सर्विस है उसको बेटर बनाते हैं, तो ये सारे चेंजेस करते हैं, अपनी पॉलिसी को अपडेट करते हैं, तो 100% फ्यूचर के अंदर स्नैपडील कंपनी है वो प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्नैपडील की कहानी। तो इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस के अंदर आपके कस्टमर के लिए, आपके एम्प्लॉय के लिए, आपकी सर्विस के लिए प्रॉपर तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए। कभी कभी हमारी पॉलिसी भी अच्छी नहीं होने की वजह से हमारा कस्टमर छूट सकता है, एम्प्लॉय भी हमारी कंपनी को छोड़ के जा सकता है और पूरी कंपनी है वो बर्बाद हो सकती है। दूसरा, इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर इनोवेशन करना चाहिए। अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस है वहीं का वहीं रुका जाएगा और मार्केट में जो इनोवेशन करेंगे हमारा जो कॉम्पिटिटर होगा वो हमारे से आगे निकल जाएगा। तीसरी बात हमें इस वीडियो से सीखने को मिलती है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमको
सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हमको डेवलप करना चाहिए, उस सेगमेंट में उस प्रोडक्ट के बारे में हम मास्टर बन जाते हैं, हम पूरा लीडर बन जाते हैं, उसके बाद ही हमको अदर सेगमेंट में अदर फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि हम एक साथ मल्टीपल फील्ड में जाएंगे तो हम कोई भी सेगमेंट के अंदर हमारी पोजिशन नहीं बना पाएंगे और इस मार्केट का हम लीडर कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो हमें कोई भी पर्टिकुलर एक सेगमेंट को चूज करना चाहिए, उस प्रोडक्ट के अंदर मेहनत करनी चाहिए, उसके अंदर ही पूरा फोकस देके उसे डेवलप करना चाहिए। तो ऐसे सभी बिजनेस की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए, सभी बिजनेस की मार्केटिंग वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।